मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार नागर। साथियों, बात करते हैं आज के वीडियो की। इसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, भक्ति काल का वर्गीकरण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर, जो है ये भक्ति उपजी द्रविड़ी लाए रामानंद और प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड, साथियों ये किसने लिखा, उन्होंने पूछा था। तो ये कबीर ने ही लिखा है भाई, ये नहीं पूछा जाता वैसे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये किसने लिखा था। कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया था। साथियों, एक चीज मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन जो हुए थे, उन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। ये बात मैंने आपको बता दिया था। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन जो थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने जो है साथियों भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग कहा था। ये सबको पता है। क्या कहा था? स्वर्ण युग कहा। लेकिन यहां मैं ये बताना नहीं चाहता कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने स्वर्ण युग कहा। मैं और भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो रामविलास शर्मा हुए थे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास जो शर्मा हुए, उन्होंने भक्ति काल को कहा था लोक जागरण काल। क्या कहा इन्होंने? लोक जागरण काल कहकर पुकारा, लोक जागरण काल इन्होंने कहा। ठीक है साथियों, इसके बाद में एक और राइटर हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपने नाम सुना ही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, इन्होंने भक्ति काल को साथियों लोक जागरण काल कहा, यानी कि भक्ति आंदोलन को। ठीक है, भक्ति आंदोलन को इन्होंने लोक जागरण कहा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना थोड़ी सी, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, इसलिए थोड़ा सा मैंने ये इसको पीछे लेके बताया। एक चीज मैं आपको और यही बता दूं, जो आलवार थे वो वैष्णव थे। ठीक है, और नायन जो नायनार थे, आलवार तो कौन थे? वैष्णव थे। और इसके बाद में एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो नायनार थे, नेनार, नायनार नेनार, नेनार भी कहते हैं इनको, नेनार थे, ये सैव थे। ठीक है, तो आलवार जो भक्त थे वो वैष्णव भक्त थे, और नायनार या नेनार जो थे वो शैव भक्त थे। ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भक्ति काल के वर्गीकरण के बारे में, जो आज से मैं शुरू करना चाहता हूँ। भक्ति काल का वर्गीकरण है आचार्य शुक्ल के अनुसार। अब देखिए, भक्ति काल को ऐसे कोई मतलब पर्टिकुलर आचार्य शुक्ल ने नहीं, और ने भी डिवाइड किया है, लेकिन आचार्य शुक्ल को हम मानते हैं बच्चों। तो आचार्य शुक्ल ने सबसे पहले भक्ति काल को दो भागों में बांटा है, और ये बात हमने पहले भी पढ़ ली थी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बांटा है निर्गुण काव्य धारा, और दूसरे नंबर पर इन्होंने बांटा है सगुण काव्य धारा। भक्ति काल का वर्गीकरण पढ़ रहे, ध्यान देना कि पहले नंबर पर है निर्गुण काव्य धारा और दूसरे नंबर पर है सगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है इन्होंने। सबसे पहले निर्गुण काव्य धारा को इन्होंने ज्ञानाश्रय काव्य धारा कहा, और दूसरे नंबर पर इन्होंने प्रेमाश्रय काव्य धारा कहा। ठीक है, फिर सगुण काव्य धारा को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। पहले नंबर पर इन्होंने सगुण काव्य धारा को कृष्णाश्रय काव्य धारा कहा, और नंबर टू पे इन्होंने रामाश्रय काव्य धारा कहा है मित्रों। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, भक्ति काल का वर्गीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर करते हैं, तो भक्ति काल को इन्होंने निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में बांटा। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा है, पहले नंबर पर ज्ञानाश्रय काव्य धारा, दूसरे नंबर पर प्रेमाश्रय काव्य धारा। इसी तरह से सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा, पहले नंबर पर कृष्णाश्रय काव्य धारा, दूसरे नंबर पर रामाश्रय काव्य धारा। अगर आगे बात करते हैं तो जो ज्ञानाश्रय काव्य धारा है उसको हम लोग संत काव्य भी कहते हैं। देखो किस किस ने कहा है, मैं आगे बताऊंगा इसको। और प्रेमाश्रय काव्य धारा को हम सूपी काव्य धारा भी कहते हैं। ठीक
ठीक है, तो ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य कहा। तो इसके प्रतिनिधि जो कवि माने जाते हैं वो है कबीर। प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है, जिसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं जायसी। कृष्णा श्री काव्य धारा को कृष्ण काव्य भी कहा, जिसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं सूरदास। राम काव्य धारा, रामाश्रय काव्य धारा को राम काव्य भी कहा, इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसीदास। यहां तक की बात मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे साथियों निर्गुण भक्ति काव्य की। निर्गुण भक्ति काव्य धारा को अब पहले नंबर पर आएगी ना, निर्गुण भक्ति काव्य धारा देखो पहले नंबर पर आ रही है, तो हमने बांट दिया निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा को आपने देखा होगा कि दो भागों में बांटा था, ज्ञानाश्रय काव्य धारा और एक थी प्रेमाश्रय काव्य धारा। तो यहां पर अभी मैं केवल आपको निर्गुण भक्ति काव्य धारा के बारे में बात कर रहा हूं। देखिएगा, जिन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना की, निर्गुण का मतलब होता है निराकार, यानी कि निराकार ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसे ईश्वर की अगर उपासना की, उनके द्वारा रचित काव्य धारा को हम लोग निर्गुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जानते हैं मित्रों। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होगी मेरे हिसाब से, नहीं होगी तो लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग थोड़ी सी मेहनत अगर करोगे ना तो बेड़ा पार लग जाएगा, ये देख लेना आप लोग, कोई ऐसी समस्या नहीं है। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अब आपके हिसाब से क्या है क्या नहीं है ये तो आप ही बताओगे मुझे, और कैसे कर सकते हैं ये भी आप ही बताओगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि निर्गुण भक्ति यानी कि जहां पर निराकार ईश्वर की उपासना की गई और उपासना करने वाले लोगों की जो काव्य धारा है उसको ही निर्गुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जानते हैं मित्रों। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। अब बात आती है निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत, यानी कि निर्गुण भक्ति जो है सबसे पहले कहाँ कैसे हुई। तो सबसे पहले जो निर्गुण भक्ति का स्रोत मिलता है वह श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। सबसे पहले जो निर्गुण भक्ति का जो हमें स्रोत प्राप्त हुआ वो कहाँ प्राप्त हुआ साथियों, श्वेताश्वेतर उपनिषद में प्राप्त हुआ है। वैसे देखो ईश्वर को निर्गुण निराकार घट घट व्यापी सूक्ष्म सब कुछ माना गया है, मतलब कुल मिला के बात यह है ईश्वर को निराकार मानने वाला जो संप्रदाय है वो निर्गुणवादी संप्रदाय कहलाता है। यानी कि ये लोग जो है तीर्थ व्रत पूजा रोजा नमाज आदि जो बाह्य धार्मिक विधियां होती है उनको ये लोग नहीं मानते थे। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात मैं आपको यहां पर यह करना चाहता हूं कि निर्गुण धारा जो है साथियों उसकी क्या विशेषताएं रही, निर्गुण धारा की क्या विशेषताएं रही, इस बात को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे। तो निर्गुण धारा की विशेषताएं आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। देखो अब निर्गुण का मतलब आपको अगर समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से इस इन विशेषताओं को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिएगा, सबसे पहले बात यह है ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। अरे भाई निर्गुण है तो ईश्वर का कोई आकार नहीं है तो उसमें विश्वास ये लोग करते हैं। निर्गुण ब्रह्म उपासना करते हैं, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति ये लोग करते हैं। आगे बात करेंगे इस फोर्थ नंबर पर, धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया। ये क्योंकि निर्गुण है भाई तो धार्मिक को क्यों मानेंगे, ये सामाजिक को क्यों मानेंगे, ये सगुण वाले मानेंगे धार्मिक को मानेंगे तो ये तो निर्गुण है, तो इस वजह से धार्मिक रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया था। पांचवें नंबर पर बात आती है, जाति प्रथा को इन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना। जब सामाजिक रीतियों को नहीं माना तो फिर जाति प्रथा को भी ये क्यों मानेंगे, तो जाति प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया। आगे बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे, यानी कि हिंदू भी एक है मुस्लिम भी एक है ऐसा समर्थन इन्होंने किया था। फिर बात आती है निर्गुण भक्ति काव्य धारा में, ये अगली विशेषता है रहस्यवाद का प्रभाव इसमें देखा जाता है। अगली विशेषता है काव्य में लोक भाषा का प्रयोग हुआ है। नवे नंबर पर एकेश्वरवाद का समर्थन इन्होंने किया है, ये एक ही
बात कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। सदगुरु का विशेष महत्व इनके द्वारा रहा, ईश्वर को एक ही आकार में माना, और साथियों सदगुरु का विशेष महत्व इन्होंने रखा है। 11 नंबर पर है, साधारण सुधार और जन जागरण की चेतना का प्रसार इन्होंने किया है। सदुकड़ी भाषा व उलट भाषी काव्य शैली का प्रयोग हुआ, शांत रस की प्रधानता इसमें रही है। आचरण की पवित्रता पर ये जोर देते हैं, सहज साधना पर ये बल देते हैं। तो साथियों इस तरह से ये 15 विशेषताएं मैंने निर्गुण भक्ति काव्यधारा की आपको बताई है। एक एक विशेषता काम की है, कहीं ना कहीं बात ये आ जाती है कि इनमें से कौन सी विशेषता निर्गुण भक्ति काव्यधारा की नहीं है। तो एक बार फिर बात करते हैं, निर्गुण भक्ति काव्यधारा की पहले विशेषता है निराकार ईश्वर में विश्वास करना, दूसरी है निर्गुण ब्रह्म उपासना करना, तीसरी है लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम, चौथी है धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध, 5वें नंबर पर है जाति प्रथा का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, रहस्यवाद का प्रभाव इन्होंने रखा, 8वें नंबर पर है काव्य में लोक भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, 9वें नंबर पर एकेश्वरवाद का समर्थन, सद्गुरु का महत्व, 10वें नंबर पर, 11वें नंबर पर है साधारण सुधार और जन जागरण की चेतना का ये प्रसार करते थे, 12 नंबर पर सदुकड़ी भाषा है तो उलट भाषियों का प्रयोग होता था, रस की बात करें तो शांत रस की प्रधानता इसमें देखी गई है, 14 नंबर पर है आचरण की पवित्रता पर ये जोर देते हैं, और 15 नंबर पर है सहज साधना पर इन्होंने बल दिया है। अब साथियों मैंने आपको बताया था कि निर्गुण भक्ति काव्यधारा 2 भागों में विभाजित की गई थी। निर्गुण भक्ति काव्यधारा को 2 भागों में बांटा गया था, 2 भेद थे इसके, एक थे ज्ञानाश्रय काव्यधारा और दूसरा था प्रेमाश्रय काव्यधारा। ठीक है, तो अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रय काव्यधारा प्रेमाश्रय काव्यधारा में बांटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे साथियों उनके द्वारा ये बांटा गया, तो नंबर 2 पे बात आती है संत काव्य और सूफी काव्य। ठीक है, तो जो ज्ञानाश्रय काव्यधारा है उसको संत काव्य और प्रेमाश्रय काव्यधारा को सूफी काव्य इनके द्वारा कहा गया है, नामकरण किया है संत काव्य और सूफी काव्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। ठीक है, याद हो जाएगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो निर्गुण धारा के जो ज्ञानाश्रय शाखा के कई नाम दिए गए, तो इसमें साथियों एक बात याद रखना जो आपको ध्यान रखनी है। देखो ये बात तो आपको पता है कि ज्ञानाश्रय काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा के 2 भेद थे, ज्ञानाश्रय काव्यधारा और एक है प्रेमाश्रय काव्यधारा। तो साथियों यहां पर ये बात याद रखना कि ज्ञानाश्रय काव्यधारा जो नाम है, जो ज्ञानाश्रय ज्ञानाश्रय काव्यधारा काव्यधारा, देखो ये नाम तो किसने दिया था, आचार्य शुक्ल ने, ये तो सबको पता है, ये नाम तो इसको आचार्य शुक्ल ने दिया, लेकिन इसी काव्यधारा को साथियों निर्गुण भक्ति भी कहा। क्या कहा इसको? निर्गुण भक्ति भी कहा। अब निर्गुण भक्ति कहने वाले कौन थे इसी काव्यधारा को? इसी काव्यधारा को निर्गुण भक्ति कहने वाले थे हजारी प्रसाद। क्या नाम था उनका? आचार्य हजारी प्रसाद ने ये बात, आचार्य हजारी प्रसाद ने ये बात कही थी। अब इसी को ज्ञानाश्रय काव्यधारा को इन्होंने ये नाम दिया, फिर ज्ञानाश्रय काव्यधारा को ही जो है साथियों संत काव्य भी कहा। क्या कहा? संत काव्य भी कहा। अब संत काव्य किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर जो राम कुमार वर्मा थे उन्होंने इसको संत काव्य भी कहा। साथियों ज्ञानाश्रय काव्यधारा को ही संत काव्य और ने भी कहा है। तो संत काव्य और कहने वाले थे परशुराम चतुर्वेदी। क्या नाम था उनका? परशुराम चतुर्वेदी ने भी ये बात कही थी, मैं आपको यही बता देता हूं। फिर एक ज्ञानाश्रय काव्यधारा को और संत काव्य एक बंदे ने और कहा, वो बंदा कौन था? वो बंदा था गणपति चंद्रगुप्त। क्या नाम था उनका? गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त साथियों कुछ भी नहीं छूटेगा, ये सोच लेना आप, एक भी बात नहीं छूटेगी। तो ध्यान है ज्ञानाश्रय काव्यधारा,
और प्रेमाश्री काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में बांटा, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। तो ज्ञानाश्री काव्य धारा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया, लेकिन ज्ञानाश्री काव्य धारा के और भी नाम रहे थे, जैसे निर्गुण भक्ति काव्य धारा, संत काव्य धारा, इस तरह से। तो हजारे प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञानाश्री काव्य धारा को निर्गुण भक्ति काव्य धारा कहा। संत काव्य धारा कहने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी थे, संत काव्य धारा कहने वाले इसको परशुराम चतुर्वेदी भी रहे, संत काव्य धारा कहने वाले गणपति चंद्रगुप्त भी रहे हैं मित्रों। तो मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है, देखिएगा। नंबर एक आती है ज्ञानाश्री काव्य धारा, जिसको संत काव्य, ज्ञानाश्री काव्य धारा तो आप सबको पता है आचार्य शुक्ल ने ही कहा, ठीक है, ये तो आचार्य शुक्ल के द्वारा नामकरण किया गया। और संत काव्य धारा आपको सबको पता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और इसके बाद में गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है न, गणपति चंद्रगुप्त ने ये नाम दिया। और एक और हुए थे परशुराम चतुर्वेदी, परशु राम चतुर्वेदी, इन्होंने भी ये नाम दिया था, तो याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतों का काव्य संतों के द्वारा रचा गया, इसलिए संत काव्य कहलाया, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, हिंदी में निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहलाता है। निर्गुण उपासक थे और ये ज्ञान मार्गी थे, और इन कवियों के द्वारा रचा गया काव्य ही संत काव्य कहलाता है। अब संत मत प्रारंभ कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी बातें हम लोग यहाँ पर जानेंगे साथियों। आगे बात करेंगे संत काव्य के जो है पहले कवि कौन रहे हैं और किसने किसको माना है, ये आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं संत मत का प्रारंभ कैसे हुआ। भारत में संत मत का जो प्रारंभ है वो 1267 ईस्वी में संत नामदेव, जो बिठोवा के भक्त थे, उनके द्वारा किया हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो संत मत है वो भारत में ही पैदा हुए संत नामदेव, जो बिठोवा के भक्त थे, उन्होंने 1267 ईस्वी में ऐसा किया था, या उनके द्वारा ऐसा माना जाता है। आगे बात करते हैं संत साधना का साहित्यिक स्वरूप सर्वप्रथम पंडरपुर यानी कि महाराष्ट्र में हुआ माना जाता है। ये संत साधना का जो साहित्यिक स्वरूप है वो हमें पंडरपुर महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ माना जाता है। आगे बात है संत काव्य का जो मुख्य दार्शनिक आधार रहा है वो शंकराचार्य जी रहे हैं, और शंकराचार्य जी का भी अद्वैत दर्शन जो है वो माना जाता है। अद्वैतवाद के जो प्रणेता है वो शंकराचार्य जी ही थे, इसको मैंने याद किया था, अंश इस तरह के नाम से किया था, ठीक है, वैसे अंश में यहाँ आता है लेकिन अंश ऐसे मैंने याद कर लिया था इसको, और एस के नाम से भी कर लिया था लेकिन अंश, ये नाम थोड़ा जल्दी याद हो गया था। तो शंकराचार्य जी ने अद्वैत दर्शन के प्रतिपादन किया था, तो संत काव्य का जो मुख्य दार्शनिक आधार रहा है वो अद्वैतवाद या फिर अद्वैत दर्शन ही रहा है। चलिए बात करते हैं आगे। संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय और उसका धर्म विश्व धर्म, जिसका मूलाधार है हृदय की पवित्रता। साथियों भक्ति काल को पढ़ना आसान काम नहीं है, इसमें मजा बिल्कुल भी नहीं आता है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन पढ़ना तो है। जैसे नोट्स में आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स उतारते जाइए। भक्ति काल का ये सेकेंड वीडियो है, और अगर चैनल पर आप पहली बार आते हो देखते हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, और इनकी पीडीएफ आप लोगों को जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है वहां पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है मित्रों। तो अब बात करेंगे संत काव्य कैसे रहा, क्या रहा। देखो मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर, अभी अगर आगे बात आ जाती तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा कि संत काव्य के जो प्रथम कवि रहे हैं और किसने माना है उनको, ये हम बात करेंगे। अब संत काव्य की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले विशेषता आती है धार्मिक विशेषता, अलग अलग भागों में बांटा है इनको। तो धार्मिक विशेषता जो रही है वो है निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करना, गुरु का महत्व रहा। देखो ज्ञानाश्री काव्य धारा निर्गुण भक्ति काव्य धारा थी, तो वो तो होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
लेकिन अब इसमें उपासना तो निर्गुण की रहेगी ना भाई, क्योंकि निर्गुण के ही ये अलग अलग पार्ट है। गुरु का महत्व तो उसमें भी था तो यहाँ पर भी देंगे। योग भक्ति का समन्वय देखने को मिलता है, अनुभूति की प्रामाणिकता या शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता इसमें मिलती है। आडंबरवाद एवं संप्रदायवाद का विरोध किया है, ये आडंबरवाद यानी कि दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, संप्रदाय इनमें बिल्कुल भी नहीं था, ये सारी चीजें इसमें रही है। तो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, गुरु का महत्व, योग और भक्ति का समन्वय, अनुभूति की प्रामाणिकता, शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता इन्होंने रखी है। आडंबरवाद और संप्रदायवाद का इन्होंने विरोध किया था, यह धार्मिक विशेषताओं में आ जाता है, संत काव्य की विशेषताएं रही है मित्रों। ठीक है, नंबर टू पर है। अब सामाजिक विशेषता आती है संत काव्य की, या ठीक है ज्ञानाश्रय शाखा में। तो सामाजिक विशेषता में जातिवाद का विरोध करते हैं, क्योंकि वर्ण भेद व्यवस्था जाति इनमें नहीं थी बिल्कुल भी, और समानता का प्रेम पर बल देते हैं साथियों, सभी समान है, हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया था, इस वजह से ये बात आती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब शिल्पगत विशेषता में, शिल्पगत विशेषता कौन सी रही, यानी कि सौंदर्य काव्य, सौंदर्य काव्य वाली बात, या फिर किस भाषा का प्रयोग, ये सारी बातें शिल्पगत सौंदर्य में आती हैं। तो सबसे पहले तो बात है मुक्तक काव्य लेखन इन्होंने किया। मुक्तक काव्य लेखन का मतलब ये होता है कि हमेशा इन्होंने खुले दिमाग से लिखा है, कोई बंदीकृत किसी छंद प्रयोग इन्होंने नहीं किया, और खुले माइंड से इन्होंने इस बात को लिखा है। दूसरी बात आती है सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि जो कबीर थे वो सदुकड़ी भाषा यानी कबीर की बात इसमें आती है, उलटभाषी भाषा का प्रयोग हुआ, तो ये बात है। मुक्तक काव्य लेखन हुआ, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ, उलटभाषी, उलटभाषी यानी कि प्रकट अर्थ में उल्टा कथन जिसको हम कहते हैं, उलटभाषी क्या होता है, जो अर्थ होता है उसमें उल्टा कथनों का प्रयोग होता है। पौराणिक संदर्भों व हठयोग से संबंधित इसमें मिथ्य प्रयोग हुआ है, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग इसमें देखने को मिलता है।